मैंने इस्लाम छोड़ा है। आपने इस्लाम छोड़ा है, चलिए आप एक्स मुस्लिम है। कितना सूरा, कितना चैप्टर है कुरान में पता है भाई? कितना सूरा है? 144 शायद ऐसी कुछ है, 144 सूरा है। चलिए 144 सूरा है, नोट डाउन कीजिएगा कमेंट्स में। आप लोग क्या करते थे, वजू बनाते थे या गुसल करते थे? वजू करते थे। वजू कर, कितना रिकत, कितना रिकत? हाँ, 6 रिकत या 7 रिकत? नहीं, कितना रिकत जी? सोनू कुमार भाई, आपका क्या क्वेश्चन है इज द बाइबल करप्टेड के ऊपर में? सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला भाई साहब। बात यह है कि अगर आप किसी किताब को करप्टेड बोल रहे हो और आप एक लाइन को करना बता रहे हो, एक को करे हो कि अलग कलाम है ये भाई, या तो पूरी किताब बेकार बताओ या फिर एक लाइन कैसे कैसे होगी भाई? भाई वो तो कॉपी, भाई कुरान तो कॉपी लगता है मेरे हिसाब से। जी जी, कुछ लाइनें कुरान तो कुरान उसमें से ली है। सोनू भाई, सोनू भाई, आप मुस्लिम है या क्रिश्चियन है? मैंने इस्लाम छोड़ा है। आपने इस्लाम छोड़ा है, चलिए आप एक्स मुस्लिम है, ये ले लेते अभी, है ना? तो आपने नाम सोनू कुमार क्यों रखा है? मतलब कि अभी आप सनातन धर्म में चले गए इसलिए सोनू कुमार रखा है, या क्रिश्चियन बने? क्या बना आप, क्या बने हैं आप? सनातन को मानने लगा। अच्छा, आप सनातन पे मानने लगे, मतलब अभी आप एक्स मुस्लिम है और लेकिन आपका क्वेश्चन बाइबल के ऊपर में अभी, ठीक है? नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, या तो आप पूरी किताब को करप्ट बताओ। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन करप्ट है, एक लाइन अल्लाह का कलाम है, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई, आप दिमाग लगाओ। मैंने अभी इसी के ऊपर में पिछले बार बात किया, जो उन्होंने बोला कि करप्टेड, करप्टेड का मतलब क्या समझते हैं आप? करप्टेड वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? क्या पूरा बदल गया, पूरा बदल गया, या करप्टेड की कुछ चीजें बदल गई उसमें? क्या मानते हैं करप्टेड का मतलब? मैं बताऊं, एक किताब है, एक लाइन को तो हम अल्लाह कलाम बता रहे हैं, दूसरी लाइन को करप्ट बता रहे हैं, गलत है ना ये बात? मैं अल्लाह का कलाम किस लाइन को बताया? मैंने किस लाइन को अल्लाह का कलाम बताया? मैंने बाइबल में, भाई बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जो कुरान में लिखी हैं, जैसे आदम, आदम तो मैंने उसको अल्लाह का कलाम तो नहीं ना बताया, समझ रहे ना आप? क्या आपका क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह कलाम नहीं है आदम हुआ का जो किस्सा है वो अल्लाह कलाम नहीं है क्या? अल्लाह का कलाम आदम, आप कुछ भी बात बोल दीजिएगा आदम हवा को बना के, तो क्या वो अल्लाह का कलाम हो जाता? अल्लाह का कलाम कहाँ है? वो कुरान में, ठीक है ना, वो अल्लाह का कलाम है, समझ रहे भाई? सोनू कुमार भाई, तो सोनू कुमार भाई आप करप्टेड का मतलब समझिए पहले। करप्टेड का मतलब क्या है? करप्टेड का मतलब है कि कुछ उसमें बदलाव आ गया है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है पूरा उसमें। अगर कोई सही चीज है, सही चीज है तो हम उसको कोट कर सकते हैं, कोई चीज सही है तो हम उसको कोट कर सकते हैं, कोई चीज सही नहीं तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये चीज सही नहीं। अल्लाह उसको रोक नहीं पाया ना, जो लोग गलत कर रहे थे उसमें। हाँ, इसी पे तो मैंने अभी आंसर दिया, अभी आपने सुना नहीं मैंने आंसर कैसे क्या दिया इसके ऊपर में? उसके ऊपर में मैंने पूरा रिप्लाई दिया इससे पहले, सोनू भाई, समझ रहे आप? मतलब कि मुसलमान थे ना पहले भाई, तो आपने तो कुरान पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान थोड़ा ही बहुत पढ़ा, इस्लाम ही छोड़ दिया, कुरान पढ़ने का मतलब फुर्सत भी नहीं मिला आपको पूरा? कुरान पढ़ा पूरा, लेकिन वो याद नहीं है पूरा, पढ़ा याद भी नहीं पूरा। कितना सूरा, कितना चैप्टर है कुरान में पता है भाई? कितना सूरा है इसमें, चैप्टर कितना है? आयत है 6666 आयत है। हाँ, और सूरा कितना है? सूरा 144 शायद ऐसी कुछ है, 144 सूरा है। चलिए 144 सूरा है, नोट डाउन कीजिएगा कमेंट्स में आप लोग, सूरा में कितना है कुरान में? 144। सोनू कुमार भाई आए हैं हमारे पास एक्स मुस्लिम, तो 144 सूरा है। आप लोग क्या कमेंट में बता सकते हैं कितना सूरा है कुरान में? आइडिया, आइडिया बताओ, मैंने कंफर्म नहीं मेरे को। अरे भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, पूरा कंफर्म ही नहीं है। तो अभी मुझे पूछना हो कि वजू में कितना रिकात है, पूछना पड़ जाएगा आपसे। वजू, वजू बनाते थे ना आप पहले? वजू बनाते थे कि नहीं बनाते जब मुसलमान? तो कितना रिकात बनाते थे, कितना रिकात बनाते थे? वो छोड़ो, मुझे उलझाओ मत मेरे भाई, जलेबी मैंने बहुत खाई। अरे भाई जलेबी नहीं बना रहे, सिंपल क्वेश्चन। आपने बोला कि आप एक्स मुस्लिम है, नहीं नहीं नहीं, आपने बोला आप एक्स मुस्लिम, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना थोड़ा सा पूछने के बारे में। वजू, वजू जो बनाते थे, ये वजू इस तरीके से वजू बनाते थे ना? मैं बता रहा हूँ, मैं मुसलमान था, मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, मुसलमान था, वजू बनाते थे ना, तो एज अ मुस्लिम आप वजू बनाते थे या नहीं बनाते थे, या गुसुल करते थे? क्या करते थे, वजू बनाते थे या गुसुल करते थे? वजू करते थे। वजू करते, कितना रिकात, कितना रिकात? हाँ,
रिकत या सात रिकत? नहीं, कितना रिकत भाई, तुम मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। अरे भाई एक आंसर दे देते ताकि अच्छा डिस्कशन होता ना हम लोग का। हम तीन बार हाथ धोते थे, तीन बार मसा करते थे, तीन बार मुंह में पानी डालते थे, मुंह धोते थे तीन बार। तीन बार हाथ धोते थे, तीन बार मसा करते थे और तीन बार मुंह में पानी डालते थे, उसके बाद तीन बार कोहनियों तक धोते थे हाथ को, उसके बाद पैर धोते थे, तीन बार कोहनियों तक देते थे उसके बाद। चलिए पहले हाथ धोया तीन बार, फिर तीन बार मसा किया सर का, है ना? क्या भाई आप मुझे उलझाने की कोशिश मत करने भाई। मैं उलझा नहीं रहा हूँ, सीधी इस्लामी पे बात कर रहे भाई, इस्लाम पे ही तो बात कर रहे। वुजू कैसे बनाते तो थोड़ा बता दीजिए, हम लोग को भी थोड़ा सीखेंगे। देखिए हमारे ऑडियंस इतना सारे सब सीखेंगे थोड़ा। आए शख्स काम ही की बात कर रहे हैं, वुजू कैसे बनाते थे थोड़ा। हाँ हाँ इस आयत का आंसर दे दो। कौन सा आयत का आंसर देना? आपको ये आंसर देने के बाद तो तब्बत यदा क्या है? सूरह लहब है, वो सूरह लहब है। सूरह तो उसमें क्या लिखा हुआ, अबू लहब के दोनों हाथ टूटे। अबू लहब ने क्या बोला था नबी सल्लम को जब उन्होंने बोला कि तुम्हारे दोनों हाथ टूटे, और वो नबी सल्लम पे लानत भेज रहा था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और उसके लिए बर्बादी है, ठीक है ना। उसके बारे में वो सूरह है, उसके बारे में अबू लहब जो इस्लाम का एक दुश्मन था, और उसकी बीवी के बारे में, समझ में आ गया उनके कि वो लोग जहन्नम में जाएंगे उसके बारे में। अल्लाह जो है बद्दुआ दे रहा है, अल्लाह ताला बोल रहे कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ देता है, समझिए अभी कर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ देता है। आप सनातन धर्म से है ना भाई? आप सनातन धर्म से है ना। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कमजोर इंसान होता है और कोई पावरफुल इंसान उसकी जमीन कब्जा लेता है, उसको बुरा कर देता है, तो वो उसके पास क्या बचता है? खाली बद्दुआ बचती है, वो उसका बिगाड़ तो सकता नहीं कुछ। तो वो अल्लाह जो है, अल्लाह ताला बद्दुआ तो दे ही रहे, साथ ही साथ में वो लोग जो लोग नमाज पढ़ते, जो कुरान पढ़ रहे, वो लोग भी बद्दुआ दे रहे, तो वो बद्दुआ कैसे होगी, महफूज हो गया कयामत तक। और सनातन धर्म में मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे हाथ में बाइबल भगवत गीता भी है, देखिए ये मेरे पास भगवत गीता है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ कृष्ण बोलते हैं कि मैं विनाश करने के लिए आया, ठीक है। कुरान में बात कर लो, मैं वापस इस्लाम में आ जाऊंगा भाई। वापिस इस्लाम में आपको लाएगा कौन? आप कौन से इस्लाम को छोड़े थे जिसमें 144 सूरा है, और आपने कौन सा वुजू बनाया? वुजू का तरीका भी आपको नहीं पता? वजू आप बोल रहे पहले हाथ धोते थे और फिर मसा करते थे, ये वजू का तरीका कौन सा इस्लाम में वापस लाना चाह रहे हैं? कौन से आप इस्लाम में वापस आना चाहते हैं? किस इस्लाम में? फेक है आप भाई, समझ रहे ना? सोनू भाई आप फेक एक्स मुस्लिम बन के आए हुए है, यहाँ पर्दाफाश हो गया आपका, समझ रहे ना भाई? इस्लाम की क्वालिटी तो बताओ, अच्छाई बताओ ना, इस्लाम की क्या क्या अच्छाई है? इस्लाम की अच्छाइयां बताने आपको, देखिए इस्लाम की अच्छाइयों के ऊपर में जब स्ट्रीम होगा तो आप आइएगा, हम लोग इस्लाम की अच्छाइयां बताएंगे। आज का स्ट्रीम हमारा बाइबल के ऊपर में, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह डील करते हैं। जिस दिन इस्लाम के ऊपर में स्ट्रीम रहेगा उस दिन आइए, ठीक है ना। मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूँ, इस्लाम चक्कर मत पड़ो, छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि आप फेक एक्स मुस्लिम बन के मत घूमिए मार्केट में, क्योंकि आप जब फेक, सुन लीजिए, आप नीचे तो रहिएगा अभी थोड़ा देर, तो आप फेक एक्स मुस्लिम बन के मत घूमिएगा, इस तरीके से बेइज्जती होती है। अभी देखिए ये क्लिप बनेगा, अब ये क्लिप बनेगा तो बेइज्जती किसकी होगी? आपकी बेइज्जती होगी। आपने बोल दिया कुरान में इतना, आपने आके बोल दिया मैं इस्लाम छोड़ा हूँ मैंने, उसी तरीके से आपने वजू का क्या ही बेहतरीन तरीका बताया। तो ये मेरी नसीहत है आपसे सोनू भाई, देखिए एज अ जेन्युइन इंसान आपको जानना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ, हिंदुइज्म पढ़ता हूँ, इस्लाम पढ़ता हूँ, और साथ ही साथ में क्रिश्चियनिटी पढ़ता हूँ, एज अ जेन्युइन इंसान पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लेकिन ये फेक बनने की क्या जरूरत, ठीक है ना, ये फेक बनने की क्या जरूरत सोनू भाई, ठीक है ना। तो मेरे नसीहत लेकर के आप इस स्ट्रीम से जा सकते हैं इंशाल्लाह। आपको अगर इस्लाम को जानना, मेरा वीडियोज है इस्लाम के ऊपर में, अगर जेन्युइनली जानना है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जेन्युइनली आप बोल रहे थे, लेकिन अगर जेन्युइनली जानना है तो आप जाइए, हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब मेरे वीडियोज है, आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर उसको देखिएगा। और
आप फिर आ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।